खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं उन शख्सियतों से जो कि देश और प्रदेश में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ शनि उपासक धर्मगुरु रंजीत महाराज जी जुड़ेंगे, जो कि अपनी जीवन के अनसुने किस्से बताएंगे, कैसे वो इस उपाधि पर पहुंचे, कैसे उनका संघर्ष भरा जीवन व्यतीत हुआ है, उनको प्रेम करने के लिए कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी देंगे। आपको बता दें कि बंगला मुखी देवी की उपासना भी करते हैं रंजीत महाराज जी। गुरु जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आपको विश्व में जाना जाता है कि आपके सीधे हाथ में ओम का निशान है, इसके पीछे की कथा जानना चाहेंगे कि आपको इस बारे में कैसे पता चला, जब आपको बाकी लोगों ने या फिर कहे पुजारियों ने देखा तो आपको देख के क्या कहा उन्होंने? बचपन में बहुत छोटी उम्र से पढ़ाई में बहुत तेज था और मैंने 13 वर्ष में ही मुझे हाई स्कूल में इम्तहान देना पड़ा जी। और 13 वर्ष की उम्र में मेरे को, मैं जब फेल हो गया तो मेरी माँ ने गुरु महाराज को मेरा हाथ दिखाया। मेरे गुरु महाराज जी जब आए हुए थे गांव में जी। तो उन्होंने मेरा जब हाथ देखा तो हाथ देख करके वो बिल्कुल हैरान चकित हो गए, इनके हाथ में ब्लड की लाइन में ओम बना के भगवान धरती पर भेजा है जी। इनको अभी शनि की साथी चल रही है, इस वजह से फेल हो गए जो है जी। और उसके बाद जो है फिर मैंने उनसे इस चीज को देख करके कहा कि जल्दी इनका शादी कर दो, नहीं भाग जाएगा, ये बहुत बड़ा साधु बनेगा, इसका विश्व में नाम होगा। तो मेरे हाथ में उस समय से ओम लोग देखने के लिए जहाँ पर जाता हूँ, विशेष लोगों में रुचि होती है कि दाहिने हाथ की गदोरी में ऊपर चढ़ा है और नीचे ब्लड की लाइन में भगवान ने ओम बनाकर धरती पर भेजा है। गुरु महाराज ने ही कहा अगर लोभ और इसके अंदर लोभ नहीं करेगा और किसी के प्रति गलत सोच नहीं रखेगा, सबको अपना परिवार समझेगा जी। हर जात हर धर्म के लोगों को इसका कोई भी विकास कोई रोक नहीं सकता और इस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो इसके हाथ में ब्लड की लाइन मोम बना है। इसीलिए नेता मिनिस्टर मंत्री सभी लोगों का बहुत प्यार हमको मिलता है जी। ये तो हम सब जानते हैं कि आपसे सभी राजनीतिक मिलने आते हैं, सभी नेता आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अगर आपके बचपन की बात करी जाए तो वो कैसा रहा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काफी संकट देखा आपने अपने बचपन में, काफी गरीबी भरा जीवन रहा है, इसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बचपन में मैं एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर में, जमींदार तो था लेकिन खेती में उस समय लोग काम नहीं करते थे, पिताजी लोग जमींदार के बेटे थे, जमीन बेच करके खाते थे, घूमते थे और जमीन उपजाऊ तो बहुत थी लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता था। और मैं अपने परिवार में बहुत गरीबी झेल करके और रोटियां बांट करके मिलती थी, प्रभु की कृपा हुई, बचपन में मुझे गरीबी देखने को मिला, फिर जवानी में मैंने अपनी स्टैंडिंग करके धीरे धीरे करके भगवान की पूजा करके फिर कथा करके भगवान ने मुझे बहुत कुछ आगे आग्रह करते हुए दिखाया और भगवान की कृपा मेरे ऊपर हमेशा रही कि मेरे को 20 साल की उम्र के बाद से कोई कष्ट आने का मौका नहीं मिला और जो कष्ट भी आया वो आया, चंद आया, फिर उसके बाद निकल गया जी। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि जो हम आज आपके टीवी चैनल पे भी आए हुए हैं और टीवी के चैनल के डिबेटों पे मैं कई बार बुलाया गया हूँ, देहरादून में भी और जगह पर भी जो है जी। और देहरादून के भी संजय श्रीवास्तव जी हैं, उनका भी टीवी चैनल प्राइम न्यूज पे भी है और VIP न्यूज है, वो भी हमें बहुत, मतलब IBTV हिंदुस्तान के नाम से कई बार बुलाया गया कई जगह पर जो है जी। और मैं बहुत छोटी उम्र से सबके प्यार के सबके दिल में जीतने के लिए प्रभु ने बनाया, मैं उससे जो मिलता हूँ मेरा अपना हो जाता है जी। और उसको मैं बोलता हूँ तुम लोग मेरे परिवार हो, मृत लोग लीला के सागर में हम धरती पर आए हैं तो भगवान राम ने भी लीला किया, भगवान किसी लीला किया जी। मैं भी लीला करने के लिए, मैं गृहस्थ संत था जी। मेरा शादी हुआ, मेरे 3 पुत्र थे जी। और भगवान की माया है कि मेरी पत्नी ने बहुत छोटी उम्र में मेरा साथ छोड़ दिया और आज हम अपने परिवार के साथ तो नहीं रहते क्योंकि मेरा बैराग जीवन है पत्नी खत्म होने के बाद जी। लेकिन मेरा परिवार इलाहाबाद प्रयागराज में रहता है, प्रतापगढ़ जिले में मेरा जन्म हुआ था जी। और हम प्रतापगढ़ की धरती संतों की खजान से भी आए हैं जी। लेकिन आज भी सबको प्यार करते हैं, सभी लोगों के विकास के लिए जीवन में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अब तो भले थोड़ी मेरी उम्र बची हुई है, मेरा वजन भी शरीर का ज़्यादा है, 125 किलो है, लेकिन फिर भी मैं बैठ करके साधना पूजा
सब करता हूँ लोगों के जीवन में कल्याण के लिए। रात दिन चाहता हूँ जो मुझसे मिले जी। उसका जीवन आगे बढ़े और हम अपना नाम मेरा इस तरह हो जिससे बड़े संतों का स्वामी विवेकानंद और उन लोगों तक तो मैं नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो लोग बहुत महान आत्मा वाले थे, लेकिन अपना एक नाम अलग करके मैं चाहता हूँ कि नामी मरे नाम को, निमर्ज मरे रोटी को। मैं अपने नाम के लिए मरता हूँ कि सब लोग हमारे परिवार हैं इस धरती पर, सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और हम भी उसी बीच में अगर आए हुए हैं, धरती का पैदा हुआ अन्न खाते हैं, आसमान छत है पाताल का पानी पीते हैं जी। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक हैं, एक भाई भाई हैं और सबको मैं प्यार करता हूँ। मैं किसी जात पात को नहीं, सिर्फ सबको यही कहूँगा कि सब लोग अपने धर्म पे, अपने मजहब पे जो हैवान हो उसको इंसान बनाओ, ये मेरा नारा है। गुरु जी, अगर आपके परिवार की बात करी जाए तो आपके परिवार में कौन कौन है? जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी की बहुत कम आयु में मृत्यु हो गई, तो आपका परिवार में कौन कौन है और उनके संबंध कैसे हैं आपसे? मेरे परिवार में मेरे बड़े बेटे का 4 जनवरी 2019 में, मतलब हमारे साथ भगवान ने उनको छुड़ा करके अपने पास बुला लिया, और मेरे 3 पुत्र थे, 1 पुत्र चले गए, 1 पुत्र को 1 बेटा 2 बेटी हैं और दूसरे बेटे को 1 बेटा है। दूसरा बेटा मेरा बॉक्सिंग का बहुत इंटरनेशनल प्लेयर है और तीसरा बेटा मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट पे वकील है। और उसके बाद वो हमारे पूरे परिवार में उन लोगों के इतना पेड़, लेकिन मैं उनको समय इसलिए नहीं दे पाता कि पूरे विश्व में मुझे भ्रमण करना पड़ता है, पूरे भारत में जहाँ कोई बुलाता है मैं वहाँ पर जाता हूँ। अब जैसे आपके टीवी चैनल पे बुलाया गया तो मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर चलता हूँ। मेरा ये भी परिवार है, वो भी परिवार है और सब लोगों से मेरा किसी से कोई ऐसी वैमनस्यता नहीं है जो मुझे प्यार न करे। मेरा परिवार के साथ साथ और भी मेरे भारत के और विदेश के भी और सभी लोगों का मेरे को बहुत प्यार मिलता है। जब मैं कहीं से निकलता हूँ तो लोग, बल्कि एयरपोर्ट पे या ट्रेन में बैठाने के लिए आते हैं तो बल्कि रोने लगते हैं, बाबा आप जा रहे हो मेरे को, हम सबको घी चुपड़ी रोटी नहीं खिला लेकिन घी चुपड़ी बात करके सबको प्यार में अपने बांध लेता हूँ। सभी लोगों का इतना मेरे प्रति प्रेम रहता है कि मैं आपको ये बता नहीं सकता। वो लोग हमारे से मिलने के लिए, मैं इलाहाबाद प्रयागराज में माघ मेला शिविर में जाता हूँ, वहीं पर सभी रिश्तेदार और सब लोगों से ज़्यादा समय मिलता, बाकी साल भर उन लोगों से मिलने के समय नहीं मिलता। मैं बाहर बाहर ही ज़्यादा रहता हूँ, मेरा देश साटन पे मेरे कार्यक्रम सब लगे रहते हैं, वहाँ पर जाता हूँ। और जो पॉपुलरिटी है, पॉपुलरिटी तो बहुत है लेकिन आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद देते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ेंगे, राइज करेंगे, सबका प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहे। जी गुरु जी, जब आपने निर्णय लिया कि आपको भगवान की साधना में लीन होना है, परिवार से दूर होना है, तो आपके परिवार का उस वक्त क्या निर्णय था? क्या वो आपके समर्थन में थे या फिर आपको रोक रहे थे? नहीं नहीं, मेरे परिवार वाले बोले नहीं, मेरा पिता तपस्या बहुत छोटी उम्र से कर रहे हैं जी। मैं बहुत छोटी उम्र था, उस समय भी मेरे पास में टी शर्ट पैंट या बुशर्ट पहनता था, लेकिन पूजा के समय मेरे को पीले रंग का भगवान विष्णु के कलर का वस्त्र पहनने के लिए मेरे गुरु ने दक्षिणा लेने के बाद उन्होंने कहा कि आप ये बस पहन करके अगर भगवान की साधना करो तो अच्छा रहेगा। मैं कहीं भी जाता था मेरे बैग में, मेरे कपड़े में भगवान का, भगवान विष्णु कलर का, भगवा कलर का धोती और गमछा दोनों रहे, उसको मैं पहन करके नित्य साधना। और 13 साल की उम्र से भगवान ने मुझे नित्य दैनिक सुंदरकांड का पाठ कराया, कभी भी चाहे पितृपक्ष के लिए कभी कोई भी हो, लेकिन फिर भी मैं अपने भगवान की साधना में 24 घंटे में मैं 3 से 4 घंटे अपने भगवान के समय निकालता हूँ, 20 घंटे और पब्लिक का और अपने कार्य में और यात्रा। अगर मैं यात्रा में भी रहता हूँ कभी भी, फिर भी मेरी बैग के अंदर सुंदरकांड की पुस्तिका रहती है, उसको मैं पाठ करता हूँ, अपना सूज उतार दिया फिर भी अपना ध्यान करके उनमें लीन रहता हूँ। और क्योंकि मैं भागवत में भी पढ़ा हूँ, गीता में भी पढ़ा हूँ, गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन और कृष्ण भगवान के संवाद में, जब अर्जुन किस भगवान से कहते प्रभु देख रहा हूँ मेरे दुश्मन आपके मुख में चले जा रहे हैं, आप पतंगों की तरह ऊँट चाट रहे हैं, तब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन से कृष्ण भगवान हम कहते हैं कि
हे अर्जुन, मैं इनको बहुत पहले मार चुका हूँ, तुम सिर्फ माध्यम हो, मैं ही करता हूँ, मैं ही करवाता हूँ, मैं ही सुनता, मैं ही सुनाता हूँ। तब उसी बात को मैंने अपने मन में सोच रखा है कि हमें नहीं चिंता उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं, उसी में ले रहता हूँ, उनकी कृपा होगी तो। गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई मुझे याद आती है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, इसलिए मैं सुबह शाम तपस्या करता हूँ, जो मुझसे मिले उस पे ऊपर भगवान कृपा हो, मेरे ऊपर कृपा रहे। इसलिए संसार में अच्छा कर्म करने का ये शौक है, लक्ष्य है, और आगे सबको प्यार देना, प्यार लेना मेरा परम कर्तव्य है। जी, आपके गुरु जी के बारे में भी जानना चाहेंगे, जिन्होंने आपको इस मार्ग पे लाने के लिए अपना योगदान दिया, साथ ही साथ उन्होंने आपको कहा था कि आप शनि उपासक ही बने, या फिर ये आपका स्वयं का निर्णय था? नहीं नहीं, गुरु जी ने मुझे नहीं कहा था, गुरु जी मेरे बड़े पिताजी की बेटी के जेठ थे, और मेरी पत्नी जो थी, पत्नी के जो नाना जी के साथ में वो टीचर थे और एक विद्वान पुरुष थे, और उन्होंने ही मुझसे कहा कि अगर तुम अगर करना चाहो रंजीत, तुम्हारे हाथ पे ओम बना हुआ, तुम बहुत विशेष व्यक्ति बनोगे, अगर तुम करना जमका कि आप शनि भगवान पे कुछ करिए, कुछ लिखिए। तो मैंने कहा गुरुजी क्या लिखूं, बोले कि अगर आपके मन में आए तो शनि भगवान के 109 नाम है, तो आप 1009 नाम लिखो। मैंने कहा गुरुजी मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं 8वीं तक तो संस्कृत पढ़ा हूँ। फिर उन्होंने हमने कहा इसका कुछ तरीका बताइए, तो उन्होंने बोला कि आप आज से शुरू करो, ज्ञान तक चलो। तो इसलिए मैं 16 वर्षों में शनि भगवान के 1009 नाम की पुस्तक का लेखन किया, और उनका बहुत ही मेरे ऊपर योगदान था, और लास्ट में भी आज तो धरती पर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में जब बीमार हुए, अस्वस्थ हुए, उन्होंने कहा रंजीत मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए तपस्या कर दो। तो मैंने उनके लिए भी किया, वो हमको बहुत प्यार करते थे, वो बोलते थे कि तुमको मैं अपना नाती भी मानता हूँ और अपना रिश्ते में साला भी मानता हूँ, क्योंकि रिश्ता हमारा साले भानोई का है, क्योंकि बड़ी बहन के जेठ लगते थे, और उनका बहुत ही स्नेह मेरे प्रति था। जी, बंगलामुखी देवी की पूजा के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में आप बंगलामुखी देवी की पूजा करते हैं, क्या ये करना आसान होता है, क्या इसे सभी कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ये बंगलामुखी देवी माता बहुत ही क्लिष्ट माता है, और उनकी कृपा हो जाती है तो बहुत कुछ है, क्योंकि आज हमारे विघ्न विनाशक के लिए बगलामुखी माता को माना जाता है। बगलामुखी माता की पूजा में अगर कोई संत लोभ किया या उसकी गलत सोच गई, गलत दृष्टि गई, तो मर जाता है। इसलिए इस पूजा को करने के लिए हमारे ब्राह्मण समाज के और लोग हैं, इस साधना को बहुत ही उस तरह तरीके से करना पड़ता है, इसलिए हर आदमी के बस का नहीं है, और हर आदमी इसके पीछे पड़ता भी नहीं, सोचता है ठीक है अगर कोई त्रुटि होगी, हम मनने सच्चा आदमी अपना मनने के लिए बहुत, जिस आदमी को अपने जीवन का कोई मोह नहीं होता है और किसी के कल्याण करने के लिए अगर सोचता है नहीं मैं धरती पर आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा, वही बगलामुखी माता को सिद्ध करने के लिए लगता है, वही बगलामुखी माता की साधना के लिए लगता है, वही बगलामुखी माता की जब लग जाएगा, माँ की कृपा हो जाएगी, तो उसका एक अलग प्राविधान है, अलग सिस्टम है, अलग तरीका है, उनके मंत्र भी अगर आप हवन पूजन कराते हैं, अगर आपका सांस रुक गया, बीच में गड़बड़ हो गया, तो पूजा खंडित हो जाती है। इसलिए सभी संत ब्राह्मण जिनको माँ की कृपा होती वही पूजा करा पाते, हर आदमी इसको नहीं करा पाते, बहुत ही कठिन तपस्या है, कठिन पूजा है। जी, तो ये पूजा किस समय में कराई जाती है, लोग कब करवाते बंगलामुखी माता की पूजा? तभी आदमी कराता है जब किसी आदमी का संकट होता है, या कोई आदमी नेता लोग जो होते हैं जिनको कि इलेक्शन लड़ना है और विकास करना है, और पूजा कराने में थोड़ा इसमें खर्च ज़्यादा लगता है, और इसका हवन सामग्री केसर युक्त होना चाहिए, केसर भी 410 रुपए के 1 ग्राम आता है, ओरिजिनल केसर 101 ग्राम, 151 ग्राम, 251 ग्राम का एक पैक बनता है, जिसमें अगर आप 11 पंडित कराओ, 21 पंडित कराओ, लेकिन अगर कोई अगर सक्षम नहीं है, उसकी परेशानी ज़्यादा है, या कोई मिनिस्टर कोई नेता, वो लोग अपने शौक में कराते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे कि दुख काहे को होए। बगलामुखी माता की पूजा करने से उसके जीवन के हर कष्ट, हर संकट दूर हो जाते हैं, और
इसको अगर सच्चे मन से अगर आदमी कराएगा तो उसको फायदा होती है। अगर उसने ये सोच लिया कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं इस पूजा को करा करके मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। माँ की पूजा में आपको अपनी आस्था पक्का रखना पड़ेगा, संत को अपनी जैसा तक दक्षिणा देना पड़ेगा। संत अगर उससे ये नहीं कहेगा कि आप हमको ये दो ये करो करो, लेकिन वो अपने भाव से आएगा, आपका पूजा कराएगा, आपको प्यार करेगा, सम्मान करेगा, तभी ये पूजा सफल होती है। नहीं तो इस पूजा में आपको अहंकार नहीं आना चाहिए और संत को भी अहंकार नहीं आना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं आना चाहिए कि मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ। स्पेशलिस्ट होना बनना माता की कृपा होती है जी। ये बहुत ही ऐसी पूजा है कि जिसको करने से जीवन संवर जाता है जी। अगर राजनेताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपसे मिल चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी भी आपसे मिल चुके हैं, तो और कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि आपका आशीर्वाद पाने लगातार आपके पास आते रहते हैं? मेरे पास, मैं जब जैसे मैं लखनऊ आया हूँ या गोरखपुर जाता हूँ, तो गोरखपुर जब मैं गया तो योगी आदित्यनाथ जी से मेरी मुलाकात इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेला में भी वैसे भी, और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हमारे इस देश में, हमारे इस भारतवर्ष में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उम्र मुझसे ज़रूर कम है, लेकिन उनके अंदर जो एक्सपीरियंस है, जो क्षमता है, जो देश चलाने की, वो मेरे पास नहीं है। और वो महान हैं, हमसे ज़्यादा महान हैं, और हमारे देश की गद्दी को चला करके उनको कितने बजे सोते हैं कितने बजे जागते हैं उतना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं दुआ करता हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी की ऐसी सत्ता चला रहे हैं कि उसको हम उन पे बहुत प्रसन्न हैं। आज पहली बार लाइफ में कोई मुख्यमंत्री ने होली पर मिठाई और गुजिया भेजा और हम उनसे बहुत प्रसन्न हैं। अपने प्रधानमंत्री जी के बनारस के कार्यक्रम में भी मुझे बुलाया गया वहाँ पर भी, और सभी नेताओं में तो सबसे मैं प्यार करता हूँ, राजनाथ सिंह को भी करता हूँ, अमित शाह जी को, सब लोगों से मेरे मिलन और वार्ताएँ तो कम होती, लेकिन इन लोगों को जब कोई ऐसा प्रोग्राम होता जब मिलते हैं, मैं दिल से करता हूँ कि ये हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में हैं, ये लोग अपने देश को अच्छे से चलाएं, इनमें कहीं से भी किसी चीज़ का लोगों के प्रति ऐसा भाव आए, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर आदमी को मैं नहीं पसंद करता, कोई आदमी किसी के सुख दुख का नहीं समझता, कोई आदमी अपने नेता के फेवर में जाता, कोई किसी में जाता है, लेकिन आज मैं भारत सरकार के जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको भी मैं बनारस मिला था, अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया, उन्होंने हाथ में लेकर के रख लिया, और योगी जी से भी मैं मिला वहाँ भी गोरखपुर में भी मेरे को बहुत, और हम उनको बहुत बहुत प्यार करते हैं, हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य और जो जो नेता लोग हमसे मिले हुए, पुष्कर सिंह धामी जी भी, उन्होंने भी अपने को बताया कि मैं एक सैनिक का पुत्र हूँ, और हम सबको प्यार करते हैं। आईएएस आईपीएस लागी बीमी भी मेरे बहुत लोगों का प्यार है, सब लोग जो भी कोई मुझसे मिलता है मेरा हो जाता है। मैं अपने दिल से सबको दुआ करता हूँ कि मेरे भारत सोने की चिड़िया था, मेरा भारत महान बने। जहाँ पर पहले गाना होता था 15 अगस्त 26 जनवरी जब मैं छोटा था कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो हमारा भारत देश मेरा बनाने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, इनकी कार्य में सराहना करने के लिए मेरे पास वचन नहीं है, शब्द नहीं है, लेकिन मैं इनको दुआ करता हूँ प्रभु इनको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं और बहुत अच्छा कार्यक्रम करें, और इस धरती पर ये लोग एक देवता के रूप में आए हैं, भगवान के रूप में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन देवता के रूप में ये लोग अच्छे से काम करके आगे बढ़ें, इनका नाम अमर हो, और हम इस पर अपने दिल से दुआ करते हैं, मैं ब्राह्मण संत हो करके इन लोगों को कहीं भी किसी चीज़ का आँच ना आए, इनकी नाम और कीर्ति जैसे विश्व फैली है इसी तरह इनके साथ लगा रहे कि हाँ मैं भी प्यार करता हूँ, मेरा भी विश्व में नाम कीर्ति फैले जी। क्योंकि मेरा भी एक स्वार्थ है कि इन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, इन लोगों से मैं मिला हूँ, मुझे इस पर गर्व है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी को मैं अपना विजिटिंग कार्ड बनारस की उस धरती पर जब गया था बाबा विश्वनाथ जी के उसमें निमंत्रण में, तो मैंने अपना भी कार्ड लिया, उन्होंने लेकर के अपने हाथ से लगा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और योगी आदित्यनाथ जी से जब गोरखपुर मिलने जाता हूँ तो वहाँ भी हमें बहुत सम्मान से मुस्कुरा के मिलते हैं,
और मेरा शरीर भारी है, मैं बोलता हूँ क्या करूँ, पैर पुराना होता तो मोटा हो जाता है। और हमने योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि मैं गौ माता को जो इधर घूमती है उनके लिए कुछ, उन्होंने कहा कि प्रपोजल बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए और जैसा आप मतलब हमको दीजिए उसको हम देख करके करेंगे। लेकिन हमारे ये महान नेता हैं जो इस समय कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी महान है, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। और आज नहीं, मेरे खानदान भी तो पहले कांग्रेस में था मेरे पिताजी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हमारा ये इन लोगों के आने के बाद हम लोगों को जो लोग पहले गलत सोच बोलते थे, गलत कुछ बोलते थे, लेकिन आज मुझे सम्मान मिलता है। और जो होली के टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार हम लोगों को गुजिया और संतों को भिजवाया, मेरे को उस पर बहुत गर्व है कि भगवान इनको हर तरफ से मेरी उम्र दे, आगे बढ़ें, राइज करें, विकास करें। और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री की भी कुर्सी पर जब मोदी जी रिटायर हों तो उसको भारत देश को चलाएं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बिल्कुल, संतों का सम्मान तो करते ही हैं सीएम। अगर गुरुजी आपके दिनचर्या की बात करनी चाहे तो उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे, कितने बजे उठते हैं, कितनी देर साधना करते हैं? मैं सुबह 4:45 उठ जाता हूँ, चाहे जितने बजे सोऊं। 4 बजे उठने के बाद मैं नहा धोकर के अपने मन साधना में बैठता हूँ। मन साधना में बैठने के बाद मैं फिर 7 बजे के बाद फिर हम एक बार सो जाते हैं 2 घंटे के लिए, फिर मैं उठता हूँ 9:30-10 बजे, फिर मैं उठूँगा, फिर नहाऊँगा धोऊँगा, फिर मैं पाठ करूँगा, फिर मैं हवन करूँगा। तो मेरा जो खाने का सिस्टम है, 1 बजे के पहले कुछ नहीं खाता, पहले मैं 1 गिलास गुनगुना पानी, 2 नींबू निचोड़ करके उसमें डालता हूँ मेरा पेट और चीज़ों। और 1 बजे जब हवन पूजन करके मैं फ्री होता हूँ तब मैं पब्लिक से मिलने के लिए 1 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मिलता हूँ जहाँ भी। 6 बजे के बाद फिर मैं अपनी शाम की साधना में चला जाता हूँ, क्योंकि 3 समय मुझे नहाना है, 3 समय भगवान साधना करना है। एक सुबह ब्रह्म बेला में 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक 2 घंटा रहता है, फिर दूसरा जो है 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच रहता है, फिर तीसरा जो है शाम को 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक रहता है, फिर मैं प्रसाद 9:30 बजे से लेकर 10 बजे भी लेता हूँ। और मैं अपने हाथ से स्वयं भोजन प्रसाद भी बनाता हूँ, अपने हाथ से कपड़े धोता हूँ, अपनी दिनचर्या का ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने हाथ से ड्राइविंग भी करता हूँ। और रही बात जो भी मेरे पास आते हैं, मेरे हाथ का बना हुआ चावल दाल या खिचड़ी प्रसाद जो लोग खाते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है और लोग कहते हैं कि प्रभु के हाथ से बना हुआ, नहीं मैं कहता हूँ नहीं, हम तुम्हारे भाई हैं, परिवार हैं, आप 2 चम्मच खाइए, जब लोगों को अच्छा लगता तो और कहते हैं। लेकिन कभी मेरे पास प्रसाद कम नहीं होता, मैं बनाता हूँ तो 2-3 के लिए, लेकिन अगर 5-6 आ जाते हैं तो प्रभु पूरा कर देते हैं अच्छे पाद की तलाश। बिल्कुल, अब शनि उपासक के साथ ही साथ आप गीता का पाठ भी करते हैं, रामायण भी करते हैं, और कौन कौन से पूजा पाठ करते हैं आप जनता के लिए? मैं शनि महायक कराता हूँ, बगलामुखी पूजा कराता हूँ, रामचरितमानस पे भी बोलता हूँ और भागवत कथा भी बोलता हूँ, शनि पर भी कथा बोलता हूँ, और मैं नारी पर भी बोलता हूँ, नशा पर बोलता हूँ, क्योंकि जिस चैप्टर पर अगर आप मुझको बोलोगे, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी बीए पास हूँ, हाई स्कूल 3rd डिवीज़न, इंटर 3rd डिवीज़न, बीए में भी समाज 7 में सप्लीमेंट्री आ गई, 30 नंबर पाया, दोबारा इम्तहान दिया तो 39 नंबर मिला, अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से मैंने ग्रेजुएशन भी किया। अंग्रेजी हमें बहुत कम आती, संस्कृत मुझे कम आती है, मैं हिंदी का ज्ञाता हूँ, लेकिन फिर भी हम अपने में जितना है प्रभु से मनाता, प्रभु मेरा सब काम पूरा कर देते हैं जो है। और अपनी साधना में सबको मनाता हूँ कि जिसे बगलामुखी माता से भी, जो धर्मगुरु जी मिशा चाहने वाले, इज्जत धन दौलत रुपया पैसा सम्मान देने वालों का समस्त शत्रु विनाश सुबह शाम जो मेरी पूजा होती है उसमें उनको नाम कल्याण होता है। इसलिए आज की डेट में पूरे विश्व में लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों का प्यार मुझे मिलता है और सभी लोग अपने परिवार का मेम्बर मानते हैं। और मुसलमान भाई लोगों ने भी मेरी फ़ोटो करीब 10 लाख लोग अपने घरों में लगाए हुए हैं और हिंदू भाई लोगों में भी बहुत प्यार है और सब लोग ही बोलते हैं नहीं ये संत एक पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छे हैं, इनका प्यार है। और मैं किसी का अनादर नहीं करता, किसी भी नारी, कोई भी भाई बहन मेरा परिवार है। लीला करनी को भी आए, मैं भी लीला करने के लिए आया हूँ। रहेंगे न हम तुम न
रहेगा जमाना, सभी को है मालिक के दरबार जाना, यहाँ पर न कोई किसी का ठिकाना। मैं सब बोलता हूँ ये दरबार ऐसा, यहाँ हम लोग आए हैं, हर चीज नासवान है, मृत लोग लीला का सागर है, लीला करो, देखो आगे बढ़ो और अपने से बड़ों का सम्मान करो, ये हमारा आपका जीवन है। जनता आपके पास कई तरह की अपनी परेशानी लेकर आती, कैसे समाधान करते हैं? क्योंकि जहां तक हमें पता है आप हाथ भी देख लेते हैं, चेहरा भी देख के बता देते हैं लोगों की परेशानी, और कौन कौन सी कलाओं में माहिर हैं आप? मैं पहली बात तो हस्तरेखा मस्तिष्क रेखा ये दोनों देखता हूँ, और फेस रीडिंग भी करता हूँ, देख करके मिल करके बातचीत करके उसके जीवन के बारे में मैं एक मिनट से दो मिनट नहीं लगता कि मैं उसको पूरा, प्रभु की कुछ ऐसी आकस्मिक कृपा है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आती है, जिसको जो मैं बताता हूँ। अब लोगों के लिए मैं यंत्र भी बनाता हूँ, तो यंत्र बनाने के लिए मैं बोल देता हूँ इसमें, जिसे मान लो कि हमने 5 ग्राम केसर आप जाके खरीद कर ला कर दे दिए, मैं उस केसर को आपके सामने डाल करके बंद करके उस सील करके मैं उसमें जो मंत्र मैंने सिद्ध किए हैं उस मंत्र से उनको करके उसको आवाहन करके तैयार करता हूँ। लोग अपने घर में यंत्र ले जाते हैं, उससे उनका कल्याण होता है। और जो भी लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ बगलामुखी पूजा कराने का अगर हो तो आपको सामान का मैं लिखा देता हूँ, सामान लाई मैं आपका हवन पूजन करा दूंगा, जो आपकी श्रद्धा होगी दक्षिणा दो, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करता, व्यापार नहीं करता, मैं आपसे नहीं कहता कि नहीं आप मुझे इतना पैसा तब कराऊंगा, क्योंकि पैसे में नहीं बिकता। और शनि महक कराने के लिए शनिवार दिन शनि महक कराता हूँ कि आपको शनि की कोई पीड़ा हो उसका तरीका बताता हूँ, और शनि भगवान की पुस्तक को भी उनको देता हूँ जो मैंने 1009 नाम की लिखा है। और उनके जीवन में मकान का, वास्तु का, किसी भी तरफ से जो भी भगवान मुझे करवाता, मैं अपने आप को नहीं करता, जो भगवान मुझे कराता है मैं उसकी मदद करके उसके जीवन में खुशी लाता हूँ। इसलिए अगर डेली 2-4 आदमी अगर जुड़ते हैं तो उसमें से कितने लोगों को फायदा होता है, जिसकी अगर सही आस्था मन से जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे सम्मान करता है, उसका विकास होता है। अगर आपके स्थायी निवास की बात करें, अगर भक्तों को आपसे जुड़ना हो, आपसे मिलना हो, तो अपनी परेशानी लेके वो कहाँ मिल सकते हैं आपसे? मेरे से मिलने के लिए ज़्यादा समय किसी को चाहिए तो जनवरी में इलाहाबाद प्रयागराज में माघ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, वहाँ मेरा शिविर रहता है और वहाँ पर मैं इत्मीनान से मिलता हूँ। बाकी मेरे टेलीफोन नंबर होते, मैं गाजियाबाद में कभी नगर इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा रहता हूँ, इलाहाबाद में बहुत कम आता हूँ, और ज़्यादातर लोग बुलाते हैं अपने घर पर अपने यहाँ कार्यक्रम के लिए, वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर लोग मिलते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 2 है 83 17 0 73 0 78, जियो का नंबर है, उस नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकता है आदमी, व्हाट्सएप पे अपना चेहरे का फ़ोटो, हाथ का फ़ोटो भेज देता है, मैं उसको तरीका बता देता हूँ कि आप अपने हिसाब पे अपना इसको देखो करो, आपका कल्याण होगा। और इस पर भी लोगों को कल्याण होता है, लोग जुड़ते हैं। और मिलने के लिए टेलीफोन पे जब जहाँ मैं रहूँगा बता दूंगा कि मैं यहाँ पर हूँ, एक जगह में स्थिर नहीं रहता, स्थिर सिर्फ इलाहाबाद प्रयागराज में ही मैं 1.5 महीना माघ मेला शिविर में रहता हूँ। जी, जिस तरह से भक्त अपनी परेशानी लेकर आपके पास आते हैं, आप एक शनि उपासक है, तो क्या शनि की जो पूजा पाठ है वो हर इंसान कर सकता है, या फिर जिसके ऊपर शनि का दोष होता है सिर्फ वही लोग कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमारे कलयुग के न्याय के देवता शनि भगवान है, शनि भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं, शनि भगवान के दर्शन सामने से कभी मत करिए, क्योंकि शनि भगवान की पत्नी ध्वजनी थी और वो शनि भगवान पहले कृष्ण भक्त थे, और कृष्ण भक्त होने के बाद उनका जब शादी हुआ तो अपने कृष्ण के भक्ति में हमेशा लीन रहते थे, और ध्वजनी ने सच समर के शनि भगवान का इंतजार करते कि थक गई खड़े होकर के, तब उसने श्राप दिया कि जाओ तुम अगर मेरे सजे समरे रूप को नहीं देख रहे हो तो तुम जिसको देखोगे विनष्ट हो जाएगी, इसे शनि भगवान की पूजा आप करिए। किसी भी नारी, किसी भी नारी हमारी जो होती है वो पवित्र होती है, लेकिन जब स्वजड़ा होती है उस समय नहीं, लेकिन उनको छू करके नारी को दर्शन नहीं करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके मंदिर में जाइए, उनके सामने बगल से खड़े होकर के दर्शन करिए दूर से, और नारी को शनि भगवान और बजरंग बली की मूर्ति को टच करके दर्शन करने में थोड़ा सा वो ब्रह्मचारी
जीवन था हमारे बजरंगबली और शनि भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। लेकिन फिर भी शनि भगवान हमारे क्रोधी देवता से पत्नी उनको श्राप मिला है कि तभी कि जाओ जिसको देखोगे तुम्हारी दृष्टि खराब लोग शनि महाराज आ गए शनि महाराज आ गए। लेकिन शनि जैसा बनाता नहीं, शनि जैसा हंसाता नहीं, शनि जैसा रुलाता नहीं, शनि जैसा मिटाता नहीं, मिटाता नहीं कोर, मतलब बहुत ही क्रोधी हमारे इष्ट हैं और मैं उनकी पूजा करता हूँ। पहले किस भगवान की लीला में थे, फिर बाद में उनके शिव जी इष्ट हुए जी। और उनका बहुत ही सोच समझ करके पूजा करना इंसान को सब कर सकता है, कोई किसी को वर्जित नहीं है जी। लेकिन बहुत सावधानी से, विशेष देवता में इनकी गिनती होती है जी। और सभी लोग इनसे डरते हैं, इनकी कृपा जिस पर नहीं होती है, जिसे राजा हरिश्चंद्र जैसे सब लोगों को हमारे महान भगवान लोगों पर भी इनकी पीड़ा पड़ी तो लोगों को कष्ट से बहुत ही प्रेरित होना पड़ा जी। और आज भी जय इनका कलयुग की न्याय की देवता हैं, इनको मनाओ, इनके ऊपर अपनी दृष्टि मत पड़ाइए, बगल से दर्शन कीजिए, आपका कल्याण करेंगे जी। आज की बिजी लाइफ में लोग अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, भगवान को कम समय देते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कितनी देर भगवान के लिए निकाल लें, कोई एक ऐसा मंत्र जिसको रोज करना चाहिए। इस कलयुग में नाम ही आधार है, हमारे भागवत महापुराण में भी लिखा हुआ है जी। कि पहले लोग 10,000 साल तपस्या करते थे, आज इस कलयुग में लोगों के पास 2 घंटे 4 घंटे अगर हवन पूजन अगर साल में इंसान करा लिया अपने घर पे, और अगर उसके पास समय हो तो रात को सोते समय दिल पर हाथ रख करके सिर्फ इतने करे, आंख बंद कर लिया, अपने माँ बाप अपने इष्ट को याद कर लिया, नारायण 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 करते हुए अगर सो जाता है उसको रात भर मीठा चलता, उसका कल्याण हो जाता है। इस कलयुग में भगवान विष्णु हमारे ऐसे हैं जो कि सबके पालनहार हैं, उनका दिल पर हाथ रख करके अगर कोई नारी पुरुष कोई भी है तो अगर इस तरह करके या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण है जो उसको अच्छा लगे भगवान नाम करके दिल पर हाथ रख करके सुबह शाम, और अपने घर में मंदिर जरूर बनाए जी। और बना करके उनमें दीपक जरूर जलाए घर के सभी प्राणी को कि हाँ प्रभु आपकी कृपा से भोजन प्रसाद हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मुझे भोजन मिल रहा है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु को हर चीज़ न्यौछावर करे, हर चीज़ दान करके करे तो उसका कल्याण होगा। गुरु जी आज के समय में लोग अपनी 2 समस्याएं लेके सबसे ज्यादा आपके पास आते होंगे, एक सक्सेस से जुड़ी कि परिवार में व्यवसाय में नौकरी में कैसे उनको उन्नति मिले, दूसरा उनकी शादी कैसे हो, ये 2 समस्याएं सबसे ज्यादा आपके पास आते होंगी, क्या उपाय बताते हैं आप? इस कलयुग में पहली बात तो हमारे युवा पीढ़ी को भी समझना चाहिए कि जो घर में लड़की पैदा होती लड़की के बाप को विशेष समस्या होती, समस्या लेकर आते प्रभु मेरे पास 2 लड़कियां हैं 4 लड़कियां हैं, मैं वर खोज रहा हूँ वर नहीं मिल रहा है, जो वर मिलता है तो उनके पास दहेज देने के लिए लोगों में होता है कि मैं उनकी बराबरी में कैसे क्या करूँ। हमारी युवा पीढ़ी को हम सबको सचेत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तुम लोग लड़की के पिता को ऐसा प्यार दो कि लगे कि हाँ इन्होंने लड़की पैदा किया बड़ा किया, बड़ा करने के बाद इनसे हम दहेज लेने के लिए नहीं, उनको बोलिए छिप आप लड़की को बड़ा करके पढ़ा करके दिया और आप हमारे घर की लक्ष्मी बनने जा रही है, इसलिए आप टेंशन मत लो। हमारे सभी युवा पीढ़ी के लोग उस पे आगे बढ़ करके आए, अपने गार्जियन बोले पिताजी लड़की लाइए मैं कमा करके सब कुछ करूँगा, लड़की के माँ बाप की दुआ से मेरे घर में हर चीज़ आ जाएगा, लड़की भी दिल में खुश होगी मेरे माँ बाप को मेरी शादी में प्रताड़ित नहीं होना पड़ा, मुझे दहेज के लिए मेरे पिता को घर नहीं बेचना पड़ा, मेरे पिताजी को किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा, मेरे पिताजी को मकान का गिरवी रख करके किसी से तोहीन नहीं होना पड़ा। और शादी पार्टी में भी लोग लड़के वाले अपने घर पे जितना मर्जी एट होम में करें हर चीज़ करें, लेकिन लड़की वाले के घर पे लिमिटेड लोग जा करके उसको बोलेंगे नहीं आप धन्य हो, जैसे हमारे राजा दशरथ ने जनक जी का पैर छूने के लिए चले तो जनक जी ने हाथ पकड़ लिया और राजा दशरथ ने कहा आप तो दाता हो मैं तो भिखारी हूँ, क्योंकि मैं आपके यहाँ मांगने के लिए आया हूँ। हर लड़के का बाप को मैं यही संदेश करूँगा, अगर आपको पुत्र दिया है प्रभु ने तो आप किसी की बेटी के ला रहे हो, उसके बेटी के बाप को इतना खुश करो कि उसे लगे ना कि हाँ हम किसी भगवान के घर में अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं, किसी अच्छे परिवार को। जो लोग प्रताड़ित करके 4 दिन के बाद लड़ाई करते झगड़ा करते
कोर्ट में लड़ाई करने जाते, दहेज ले करते, ऐसी नौबत के लिए हमारे पूरा भारत को मैं संदेश देता हूँ कि लोग यहाँ पर जैसे शादी करते हैं तो शादी का सालगिरह मनाते हैं, शादी का सालगिरह तो यहाँ मनाने की जरूरत नहीं है, शादी सालगिरह मनाने का बेल्जियम और यूरोप में होता है कि फ्लाइट में चले, दोस्ती हुई, फ्लाइट के अंदर शादी हुई, नीचे उतर गए, तलाक हो गया, वो लोग धन्य मानते हैं कि मेरी साल भर शादी चल गई इसलिए शादी सालगिरह मनाते हैं। हमारे जितने भी भाई बहन बच्चे यंग युवा पीढ़ी सब लोग ये देख रहे हैं, लड़कियाँ खुद भी बोलें कि अगर दहेज लोगे तो मैं आपके यहाँ रिश्ता नहीं करूँ, क्योंकि मेरा पिता मुझे बड़ा किया, पैदा किया, अब मैं आपके घर का कार्य संभालूंगी, नौकरी करती है या IAS अफसर बनती, PCS या छोटी नौकरी कमा कर आप घर आऊँगा, आपकी सृष्टि चलने के लिए आपके घर पे संतान दूंगी, तो मेरे माँ बाप को प्यार में इतना डुबो दो कि उन्हें लगे कि धन्य है मेरा दामाद, धन्य है मेरा समधी, धन्य है मेरी समधिन कि हम बिना दहेज के अपनी बेटी को खुशी देख रहे हैं, खुशहाल देख रहे हैं। इससे मेरे देश में गौरव बढ़ेगा और इस गौरवान्वित को मैं सबको कहता हूँ कि वो मेरा महान परिवार है जो लड़की वाले से दहेज की डिमांड नहीं, उसको जो है ठीक है एक साड़ी में कपड़े में उसको बोझ ना बनना पड़े और उसके दिल की दुआ लेगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई भी माँ बाप अगर अपनी बहू से अपने समधी से लड़की वाले को प्रताड़ित करके अगर ऐसा कुछ नहीं करता, उसके घर में कभी खाने की और अन्न की और धन की कमी कभी नहीं होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी, हिंदुत्व को लेके आप कई मंचों पे बोलते नजर आते हैं, आप कई टीवी डिबेट्स में भी बैठते हैं, तो हिंदुत्व को लेके आप क्या राय रखते हैं, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदुओं को मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे मुसलमान भाई लोगों के घर में 5 बार लोग जमात पढ़ते हैं और हमारे यहाँ हिंदू लोग महीने में मंदिर नहीं जाते, और हमारे हिंदू भाई लोग की जो नई युवा पीढ़ी है उनके घर में ही उनके माता पिता भगवान, लोग कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान वही है जैसे कहते नहीं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। जैसे मैंने भगवान को कहा कि तुम ही सब कुछ हो, माता पिता जिस खून से मैं बना वही मेरे भगवान है, और उनको मैं सम्मान संस्कार, अपने से बड़ों को सम्मान संस्कार हमारा युवा पीढ़ी करे, युवा पीढ़ी को पैर छूने में, प्रणाम करने में होता, हाँ बाय बाय करने में चलता नहीं। हमारा हिंदू धर्म एक अच्छा संस्कार है, अच्छा सनातन धर्म की रक्षा करने वाला, हिंदू हो, कोई भी जात, कोई मजहब हो, अपने से बड़ों को सम्मान और शिष्टाचार संस्कार से काम करेगा, हैवान से इंसान बनेगा, उसका विकास होगा। और हर इंसान को सोचना है कि हमसे बड़े हैं, हम ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, अगर किसी का सीट नहीं, हम जनरल बस में भी चल रहे हैं, वहाँ अगर कोई ऐसी महिला कोई ऐसा है जो परेशान है, हम सीट पर बैठे, उसको उसको सीट बैठने दें, सीनियर आदमी उसको बैठने दें, मानवता सीखे, इंसानियत सीखे, तभी उसका विकास होगा। जो इंसान नहीं है उसका जीवन नहीं अच्छा चलेगा, जो इंसान है उसका जीवन अच्छा चलेगा। और मेरे भारत में जहाँ नारी का जो सम्मान करता है वही घर धनवान बनता है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, पत्नी को आकर के बिगड़ते हैं, क्योंकि शादी होने के पहले तो बहुत प्रेम से जाते हैं, लेकिन शादी होने के बाद कुछ दिन बाद पत्नी को ये नहीं वो नहीं, नहीं, अगर आपकी पत्नी खाना सब्जी बनाई नहीं पसंद आता तो तुम बड़े होटल में खाते हो, वहां पर भी देख करके जो खाना बढ़िया बनाने के लिए बड़े बड़े होटल में 5 स्टार में जेंट्स कुक होते हैं, तुम भी कुछ बन के खिलाओ, उसके साथ मिल करके करो, आपस में प्यार बढ़ेगा, तभी लक्ष्मी आई। गोस्वामी तुलसीदास एक चौपाई लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति ढाना। इसलिए कि सुमत और कुमत दोनों बहन बहन का जो खेला है ना, सुमत से काम करोगे तो विकास करोगे, और सभी अपने घर को, परिवार को, पत्नी को, बच्चों को इतना प्यार दो, प्यार में बड़ी ताकत है, प्यार एक इतनी मोटी रस्सी कभी टूटती नहीं, और जो हमारे अंदर ईर्ष्या है ईर्ष्या खत्म करो, हर जात में हर धर्म के लोगों को बताओ कि प्यार करो, प्यार ही जीवन है, प्यार ही संसार है, प्यार ही सुखों का आधार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोबारा ले लो गुरुजी, आप स्टूडियो में आने के लिए बहुत-बहुत मतलब ओपनिंग और एंडिंग अभी मास्टर। हाँ।
ठीक है गुरुजी, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे भक्तों को अपने बारे में बताने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये पूरा भारत, पूरा संसार हमारा परिवार है। मेरा कोई पराया नहीं, मेरा कोई भी ऐसा नहीं कि जब की लीला के सागर में मैं भी आया हूँ। हम आपके चैनल को, आपके चैनल के सभी कर्मचारी को, आपको, चैनल के मालिक को और इस भारत को, अपने पूरे देश को, सबको मैं बहुत प्यार करता हूँ। सबके जीवन में मैं आज दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूँ, मेरे संदेश पहुँचे, जो भी मेरा ये संदेश सुनता हो उसके जीवन में खुशियों की बरसात हो। कभी भी किसी को मेरी ज़रूरत है, किसी को कोई परेशानी है, तो इस टीवी चैनल में हमारे माध्यम से, मेरा नंबर है 8317073078 पे फ़ोन करके मुझसे संपर्क कर सकता है। और मुझे किसी से कोई ऐसा नहीं कि रुपया पैसा का कोई मेरे को वो नहीं, जो प्यार से 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया दक्षिणा देगा वो मैं मान्य है, उसका सम्मान है। मैं संत हूँ और संत का कार्य है सबको प्यार करो, सभी अपना है, कोई भी पराया नहीं है। जो प्यार करे वो अपना है, जो न प्यार करे वो सपना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भी मैं अपने इस परिवार के साथ बैठा हूँ और ये जो मेरा प्रोग्राम जो सुनेंगे वो भी मेरे परिवार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, बड़े महान लोग हैं, महान आत्मा वाले हैं, संत हैं, नेता हैं, IAS IPS हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। मेरा जो भी संदेश हो, अगर कोई त्रुटि या कोई हो, क्योंकि मैं आपके परिवार का मेंबर हूं और सबको मैं प्यार करके आपके साथ में यहां से विदा होना चाहता हूं। और आपको प्यार करने का इतना मेरा एक श्रेय ये है कि स्वार्थ के लिए कहा गया, स्वार्थ लायक करे सब प्रीति है जग कीर्ति। तो मैं आपके डिबेट टीवी चैनल पे इसीलिए आया हूँ कि मैं स्वार्थ के लिए, कि माँ के पेट से मैंने जब जन्म लिया तो माँ को दर्द मालूम था, मैं जब यहाँ से जाऊँ मुझे कोई दर्द न हो, अस्पताल न जाना पड़े, इतनी उम्र अभी तक मैं बीमार नहीं हुआ, मेरा बहुत अच्छे से भगवान प्राण निकाल, क्योंकि मरते समय बहुत कष्ट होता है। इसके लिए मैं आपको स्वार्थ बस सबको आशीर्वाद, सबको प्यार करता हूँ, पूरे भारत को, पूरे देश को, पूरे संसार को। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े थे हमारे साथ धर्म गुरु रंजीत महाराज जी, जिनके जीवन के अनसुने किस्से हमने जाने, हमने जाना कि कैसे वो एक सामान्य जीवन से भगवान की लीला में लीन हो गए, किस तरह से उन्होंने भगवान के रास्ते को चुना, किस तरह से उन्होंने देवी देवताओं को अपना जीवन समर्पित कर दिया, कैसे वो लोगों के बीच खुशियां बांट रहे हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे का होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस, वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर।